नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1:11। मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिरकार पटना पहुंचे। अभी तक वे बिहार से बाहर रहकर अपने ट्वीट के माध्यम से ही पटना में जल जमाव को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन बीते शनिवार की रात वे साक्षात पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है और डबल इंजन की सरकार कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ रही है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पटना में जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी थी वे भाग चुके हैं, बिहार में कोई काम नहीं हो रहा और हर तरफ लूट मची हुई है, कोई चेहरा चमकाने में लगा हुआ है और पटना में जल जमाव का कारण ड्रेनेज सिस्टम के फेल्योर के साथ ही भ्रष्टाचार भी है। यही कारण है कि पटना वासियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए, कई बार जो लोग कहते हैं ये प्राकृतिक आपदा है, लोग कह रहे हैं कि ये बाढ़ है, हम ये कहना चाह रहे, शुरू से भी कहें ये जल जमाव है और ये जल जमाव पटना में हर एक साल हुआ है, लेकिन इस बार जब ऐसा हुआ ये पहले कभी नहीं हुआ। इस प्रकार पूरे पटना शहर में पानियां भर चुकी हैं, ये पूरा जो है ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर है और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप जानते होंगे कि पिछले बार भी जो है हम पानी में गए थे, हमने देखा, उस समय भी सरकार को चेताने का काम किया था, लेकिन उस समय भी सरकार की नींद नहीं खुली। और इस बार जो है आपको पता होगा, डेढ़ महीने पहले नगर आयुक्त कहाँ है, वो नक्शा नहीं है, नगर निगम से लेकर के आपके पट्टा के कमिश्नर का है, पूरे अधिकारी कहाँ हैं, लोग ढूंढ रहे हैं। मंत्री जी उन्हीं पे थोप रहे हैं कि नगर आयुक्त की गलती है, उनकी बात नगर आयुक्त नहीं मानते हैं। पर आश्चर्य है कि जब मंत्री जी का उनके अधिकारी नहीं मानते होंगे तो पानी में डूबे गए। ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर होना कौन सी प्राकृतिक आपदा है, यानी नीतीश कुमार जी को तो सफाई देना पड़ रहा है कि ये जो है प्राकृतिक आपदा है और ये हथिया है। ऐसा शर्मनाक बयान देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इनके अधिकारी कहाँ हैं, कोई विदेश में है और कोई जो है ताली से संन्यास ले चुका है। ये जिन लोगों की जवाबदेही है वो लोग भागे हुए हैं। तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा, बीजेपी हो जेडीयू हो, आपस में लड़ाई, पूरा सिस्टम ये देखिए, कुत्ते और बिल्ली की जो लड़ाई होती है उस प्रकार की ये लड़ाई कर रहे हैं, जनता की ये नहीं सुन रहे। और ये लोग कहते थे डबल इंजन है, डबल इंजन है, डबल इंजन का बड़ा फायदा होगा। आप देख लीजिए किस प्रकार का इंजन जो है, कुत्ता बना हुआ है, बिल्ली बना हुआ। आपको नहीं लगता नगर विकास मंत्री अगर ये कह दे कि जो निचला इलाका है, जो गड्ढे में अगर मकान बनाएंगे आप रहेंगे तो आपको झेलना पड़ेगा, आप आश्चर्य लगता है कि इस तरह का बेतुका बयान एक मंत्री दे सकता है? नहीं, बहुत ही शर्मनाक बयान है। इस तरह का बयान पता नहीं अब वो क्या सोच और समझ करके उन्होंने बोलने का काम किया है, लेकिन आप देखिएगा ये इनको काम में दिलचस्पी नहीं, इनको लोगों की सेवा नहीं करनी है, काम नहीं करना, बस लूट मचाई। नीतीश जी से जाके पूछिए, इसीलिए उन्होंने जनादेश का अपमान किया था ताकि हर जगह भ्रष्टाचार कर सके। आप भी मंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, आप मानते हैं इस चीज को कि जो सड़कों को लगातार सड़क पे सड़क बनाया जा रहा है, कोर्ट भी इस पे कह रहा है, उसका हर नीचे जा रहा है, ये तो कॉमन सेंस है। ये तो कॉमन सेंस, हम लोग पथ निर्माण में थे तो हम लोगों को ये पता था कि खड़ोच करके रोड फिर बनाओ, लेवलिंग जो है वो बराबर है, ये तो कॉमन सेंस होता है, मंत्री को पता होना। बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाइएगा तेजस्वी जी। देखिए, हम हमारी पार्टी के लोग जो है, हम लोग जो है चेहरा चमकाने की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग अंदर ही अंदर बड़ी गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी के सभी लोगों की बैठक भी बुला करके जितना सबसे ज़्यादा राहत की सामग्री हम लोग दे सकते थे हम लोगों ने दिया है और चालू है, लेकिन राज्य सरकार और पट्टा प्रशासन से जाके पूछिए कि RJD के लिए एक भी नाव उपलब्ध कराया कि नहीं कराया, कुछ भी राहत की चीज़ें अगर लोगों को देने के दिया है कि नहीं दिया। हम लोगों ने अपनी व्यवस्था करा करके सारी चीज़ों को दिखवाने का काम। तेजस्वी जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि विरोधी ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी अगर हमसे सवाल किए जा रहे हैं कि हम फेल्योर हैं, हाँ। तो नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, जब ऐसे मौके आते हैं तो वो दिल्ली में रहते हैं, बाहर आप चेहरा चमकाते नहीं ना है। हम सुशील मोदी जी चेहरा चमकाते थे, भूख हड़ताल पे थे, आज वो उप मुख्यमंत्री, उनको NDRF जो है रेस्क्यू करा रहा है, तो वैसी राजनीति हम नहीं करते। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से जिस तरह से जल जमाव की स्थिति पटना में बनी हुई है, वहीं पटनावासी काफी ज्यादा इस चीजों से प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसी बीच जनता जनार्दन भी ये जानना चाहती थी कि आखिर उनके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ हैं। तो हम आपको बता दें कि बीते दिनों उनके ट्विटर अकाउंट पर कुछ वीडियोस और फोटोज शेयर हुए थे, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि वे हरियाणा में मौजूद हैं और
तेजस्वी यादव अपने बहनोई के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। हालांकि लोगों ने इस पर कई सवाल भी उठाए और राजनीति भी इस मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा बातचीत भी हुई है राजनीतिक गलियारों में। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव वापस लौटे और लौटने के साथ ही एक बार फिर वो विरोधी पार्टी यानी कि नीतीश सरकार पर ही हमलावर होते दिखाई दिए, तो जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर तेजस्वी यादव के से पहले जल जमाव की और पटना वासियों की चिंता क्यों नहीं दिखाई दी, इससे पहले तेजस्वी यादव कहाँ थे। हालांकि हर बार इसी तरह से गायब हो रहते हैं और गायब होने के बाद वो जब भी वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति ही किसी ना किसी मुद्दे पर करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखना यह है कि इनके इस बयानबाजी के बाद क्या कुछ उभर कर सामने आता है। फिलहाल इतना ही, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार। News 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।